दोस्तों सैमसंग अपना नया फोन सैमसंग गैलेक्सी A71 इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है और इस फोन में आपको देखने को मिलेगा एक्जिनोस का 9630 का प्रोसेसर और इसके साथ आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A71 के बारे में, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस फोन की डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैक में आपको ग्लास की बैक मिलती है जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ देखने को मिलती है। इसके साथ आपको क्वाड रियर कैमरा मिलता है जो कि आईफोन की लुक जैसा आपको देखने को मिलेगा और नीचे में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर फ्रंट साइड के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको 6.7 इंचेस का HD+ फुल HD+ डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाता है जो कि सुपर एमोलेड पैनल है, पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। इसके साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसर में आपको एक्जिनोस का 9630 का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाता है जो कि 8 नैनोमीटर पे बेस है। इसके बाद हम इस फोन की अगर रियर कैमरा के बारे में बात करते हैं तो रियर में आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका कि मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का और इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग लेंस देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम इस फोन की अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात करते हैं तो सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा हुआ मिलता है। इसके बाद इस फोन की अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड का लेटेस्ट 10 एंड्रॉयड 10 पे ये फ़ोन रन करती है। बैटरी के बारे में बताएं तो बैटरी में आपको 4500 mAh का बैटरी लगा हुआ मिल जाता है जो कि आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा 25 वाट का फास्ट चार्जिंग और ये फ़ोन आपको दिसंबर लास्ट में इंडिया में लॉन्च होगी और इसका प्राइस आपको 28 से 29 हज़ार के बीच में रहने वाली है। तो दोस्तों 30 हज़ार के अंदर में आपको ये फ़ोन मिलता है जिसका कि कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और ये फ़ोन भी काफ़ी ज़बरदस्त पैकेज के साथ आता है। तो आपका इस फ़ोन के बारे में क्या है कहना आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों।